पंजाब पुलिस लोगों की राखी लिए तैनात है। तो हद उदो होंगी है जो इसे पुलिस से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। मामला शहर मलेरकोटला का, जिथे सिटी थाना दो दे एस एच ओ ते एक मुस्लिम भाईचारे के व्यक्ति वालों लाइव होकर इल्जाम लगाए गए हैं। उन्हों का कहना है कि वर्दी की धौस से मुलाजम गंदिया गंदिया गाला कढ़दा ते औरतों भी नहीं बख्शता। चलो हुण साडे मूँह सारा कुछ ना सुनो, तुहानूं असली वीडियो वल्ले चलदे हां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह अपने पर रहम करे जो अपने शहर दे विच या पूरी दुनिया दे विच करोना दे हालात चल रहे ने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जिहड़ी मैं ये वीडियो शेयर कर रहे हैं वो शहर दे कुछ हालातों बारे मैं तुहानूं जाणू कराउणा चाहना। दोस्तों प्लीज़, जो आपां नूं देखण नूं मिल रहा है जिथे पुलिस बड़ा करोना दे चलते हुए बड़ा अच्छा रोल निभा रही है पूरे पंजाब दे विच और मलेरकोटले दे विच, उन्हां विच ही साडे सिटी टू दे एस एच ओ साहब ने जिन्होंने पिछले लगातार जिदा करोना है या उस तो पहला ही तक मैं ना ना ही मेरे उन्होंने कदे इस तरह के कोई राफ्ते रहे ने, पर जो देखने को मिले मंडी दे विच और जो देखने को मिले पूरे शहर के बाज़ारों के मुसलमानों दियाँ कह के दाड़ियाँ फरूलियाँ जा रही ने, धियाँ भैनों दाला कड़िया जा रहे हैं। दोस्तों मैं बेनती करना चाहना भी तुसी ये मामले में मेरा साथ दो। जैसे पुलिस प्रशासन है, लोकल एस पी साहब, डी एस पी साहब, होर पुलिस मुलाजम बड़ा अच्छा रोल निभा रहे हैं, पर यार साडियां धियां भैणां नूं असी गालां नहीं खा सकते। उहदे लई मैं बेनती करदा लोगों मेरा साथ दवो, आपां कट्ठे हो के डी जी पी, चलो डी जी पी या डी आई जी या एस एस पी साहब नूं आपां प्लीज़ इन्हां दे खिलाफ जरूर मिली जो साडियां धियां भैणां नूं गालां कढ़दा, जो सब तो बर्दाश्त नहीं होनी है। इहदे लई हो सकदा है मैनूं आह आवाज़ उठाउण लई भी मैनूं अलग अलग परचियां दे विच ये बंदा घेरे, पर मैं परचियां तो नहीं डरना, क्यों मैं कोई कानून नूं अपने हाथ च नहीं लै रहा। मैं शहर की आवाज़ उठा रहा, जो शहर की अज की आवाज़ है ये साडू गालां कढ़दा धियां भैणां दियां, मैनूं नहीं कढ़दा पर लोगों नूं बहुत कढ़दा। इन्हें मंडी दे विच बहुत बुरा हाल किया, इन्हें शहर दे विच लोगों नूं कुड़दा भी और धियां भैणां दी गालां कढ़दा। अगर कोई लॉकडाउन तोड़दा तो उहदे पर परचा दे, अगर कोई लॉकडाउन तोड़दा बाजार च दुकान खोली बैठा उहदा चलान करो, पुलिस का कम है। अगर कोई मोटरसाइकिल ते मास्क नहीं पहनता तुसीं उहदा चलान करो, पर धियां भैणां दी गालां कढ़न दा तुहाडा कोई अधिकार नहीं। मेरी शहर निवासियों नूं बेनती है कि आपां सारे इकट्ठे हो के प्लीज़ 5-10 मेरे नाल 10 बंदे इकट्ठे हो के आपां एस एस पी साहब और डी आई जी साहब जिथे तक अपनी अल्लाह अप्रोच पहुँचा सके करिए। इन गल्लां कहिंदा होया आप सब नूं मैं बेनती करदा कि आपां इह मामले विच मेरा खुल के साथ दबो। अस्सलाम वालेकुम। यह वीडियो करोना वांग जिवें ही तेजी नाल लोकां च वायरल हुई तां संभावित सी कि एस एच ओ ते सवाल खड़े होने, तां साडे चैनल ग्लोबल पंजाब टीवी वल्लों इस खबर नूं पहल दे आधार ते नशर कीता गया अते सारा सच जानन दी कोशिश कीती। ते थाना सिटी दो दे एस एच ओ नाल राबता कायम करन लई साडे पत्रकार मुहम्मद जमील थाना सिटी दो दे बाहर पहुंचे, जिथे एस एच ओ ने कैमरे अगे आउण तों साफ इनकार कर दिता ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਕਵਲੀ ਰਾਜਾ ਸਾਬਕਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, तो इसने आरोप लगाया कि एस एच ओ सिटी मलेरकोटला जिहड़ा कि मुसलमानों काफ़ी ज़्यादा जिहड़ियां हैगियां गाला कढ़दा, तो कई अजिहियां गाला कढ़दा जिहड़ियां कि ना सुनने योग होण। असी इस संबंध में एस एच ओ सिटी टू मलेरकोटला नाल गल की, तो उन्होंने कहा भी जेकर मैनू उच्च अधिकारी कहणगे तां ही जिहड़ी हैगी आ मैं बाइट दे सकदा, मैं अपना पक्ष दे सकदा, तो कैमरे अगे तो आउण तो जिहड़ा हैगा उन्होंने इनकार कर दिता। हुण देखणा होगा कि वीडियो दी किन्नी सच्चाई है जां नहीं है, ये जांच का विषय इस दे विच जो भी कसूरवार हैगा उहदे खिलाफ बनदी ठोस कार्रवाई करनी बनदी है। मलेरकोटला ग्लोबल पंजाब लई मुहम्मद जमील। हुण तुसी देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नूं, डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां आईओएस ते फ्री विच, रोकू अते अमेज़न फायर टीवी ते जां एप्पल टीवी ते, नाल ही देख सकदे हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।